हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है गाइस। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम वीडियो में बात करेंगे इन फूलों के बारे में। इन्हें हम गजानिया कहते हैं। गजानिया को हम अफ्रीकन डेजी भी कहते हैं। ये एक बेहतरीन विंटर फ्लावर है। मैंने तो 4-5 कलर्स में इनको ख़रीद लिया है गाइस। आप लोग भी जाकर ख़रीदिए। मैंने जब इनको ख़रीदा था बहुत ज़्यादा छोटे थे। उसके बाद मैंने इनकी रिपॉटिंग करी, फिर अभी देखिए इनमें कितने सारे फूल आए हैं और कलियाँ भी बहुत सारी आई हुई है। आप देख ही सकते हैं एक फूल में कितने सारे रंगों का मिश्रण है। बीच में येलो है, उसके साइड में ब्राउन, फिर ऑरेंज और पिंक कलर। इनके जो फूल होते हैं वो 2-3 दिन तक रहते हैं। देखिए ये एकदम सिंपल येलो कलर में है और जो खिल चुका होता है ये उस तरह से मुरझाता है। ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है। इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इनमें ज़्यादा पानी देंगे तो अल्टीमेटली ये प्लांट मर जाएगी। मैंने इनको रेनी सीजन तक सेव करके रखा था, फिर रेनी सीजन में इतनी ज़्यादा बरसात हुई कि ये मर गई गाइज। मैंने इनको कभी सीड्स के थ्रू ग्रो नहीं किया है, मैंने इनके पौधों को ही डायरेक्ट ख़रीदा है। चलिए मैं इनके सॉइल मिक्सचर के बारे में बता देती हूँ आपको। जो आप नॉर्मल फूलों के लिए सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं वही सॉइल मिक्सचर इनके लिए भी आपने यूज़ कर लेनी है। मैंने अपने सॉइल मिक्सचर में थोड़ा सा गार्डन सॉइल और बस काउडंग का इस्तेमाल किया है। मैंने इनमें पत्तों की खाद का भी उपयोग नहीं किया है। यहाँ पर देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा कलर में खिला है। इनको धूप बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर 24 घंटे धूप आती हो। इनफैक्ट इनके जो फूल होते हैं जब तक धूप के किरणें इन तक नहीं पहुँचते तब तक इनके जो पेटल्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खिलते। ये विंटर से खिलना स्टार्ट हो जाते हैं और लंबे समय तक रहते हैं गाइस। अगर आपने इनको रेनी सीजन में बचा लिया तो ये समर में भी रहते हैं, लेकिन रेनी सीजन में इनको बचाना एक मुश्किल सा टास्क हो जाता है। सो इनके जो फूल होते हैं गाइज बहुत ज़्यादा डेजी फ्लावर की तरह ही दिखते हैं, आप लोग देख सकते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी कुछ डेजी के फ्लावर की तरह ही है, इसीलिए हम इनको अफ्रीकन डेजी भी कहते हैं। ऑब्वियसली अफ्रीकन नाम है तो ये नेटिव है साउथ अफ्रीका से। ये जो आप खिले हुए फूल देख रहे हैं जो मुरझा चुके हैं उनको निकाल के फेंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी थोड़ी देर बाद इनको मैं निकाल दूँगी। जब हम इस तरह से मुरझाए हुए फूलों को निकाल देते हैं तो और भी ज़्यादा कलियाँ इनमें आ जाती है। इस प्रोसेस को हम इंग्लिश में डेड हेडेड कहते हैं। अगर कहीं पर आपको ये शब्द लिखा हुआ मिलता हो तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाइए। सुबह को जब अच्छे से धूप निकलती है तो ये फूल खिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही शाम ढल जाती है उसके बाद इनके जो पेटल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। सो यह भी एक इनकी खास बात होती है। दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में ये स्प्रिंग में ग्रो हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ये विंटर में भी ग्रो होती है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है मैं जहाँ पर रहती हूँ। इनको ज़्यादा गीलापन और ज़्यादा ठंड पसंद नहीं होता है। जितनी ज़्यादा इनको धूप मिलती है उतने ही अच्छे से ये ग्रो हो जाती है। अगर आप इनके सीड्स को बचाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आप इनके फूलों को मुरझाने के बाद भी रख दें, और उसके बाद थोड़े से जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब आप इनको तोड़कर सेव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरे जो गजानिया के प्लांट है वो खिलते रहें, इसीलिए मैं जो फूल मुरझा जाते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी तोड़कर फेंक देती हूँ ताकि इनमें बहुत सारी कलियाँ आ जाए। आप इनकी फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए आप मार्केट वाला फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में तो मैं बस जो काउडंग का फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है वही इस्तेमाल करती हूँ। आपको इन फूलों में ढेर सारे कलर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं मेरे पास भी 3-4 कलर प्रेजेंट है।
ये फूल बहुत सारे बटरफ्लाइज, हमिंग बर्ड, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इनमें वाटरिंग आप या तो सुबह को करें या फिर शाम को, नहीं तो दिन को आप बिल्कुल भी ना करें। दिन में इनको बहुत ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है। आज बहुत ज़्यादा अच्छी धूप आई है, इसलिए इनके सारे फूल खिल गए हैं। दो तीन दिनों तक यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं थी। जितनी ज़्यादा कड़कती हुई धूप इन पर पड़ती है, उतने ही अच्छे से ये खिलते हैं। आप इनको शेड में ना रखिए और तो और ज़्यादा पानी भी ना दें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने प्लांट्स को थोड़ा सा सूखा छोड़ दिया है। और ये देखिए ऊपर आसमान कितना ज़्यादा साफ है। दो तीन दिन पहले बहुत ही ज़्यादा कम धूप थी और ठंड एकदम ज़्यादा था, लेकिन आज ठंड एकदम कम हो गई है और धूप भी ज़्यादा निकली हुई है। सो हर प्लांट की नेसेसिटी अलग अलग होती है, इसीलिए प्लांट के हिसाब से आपने उसको उसी कंडीशन में रखना है। यहाँ पर देखिए और भी कुछ प्लांट्स हैं, लेकिन उन सब के लिए मैं अलग अलग सी वीडियो बनाऊंगी। सारे प्लांट को मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकती, अगर ऐसा किया तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।